वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल में टिप्स एंड ट्रिक की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रिंट करते हैं एरर जो रिजल्ट आता है उसको, प्रिंट एरर रिजल्ट एज यू लाइक, जैसे हम जो एरर है उसको रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो कैसे करेंगे और कैसे ना करेंगे ये देखेंगे हम एक्सेल में। तो हम एक्सेल के सीट पे हैं और यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे आप ऑटो फिल वाला जानते ही होंगे, जैसे हमने यहाँ पे कुछ फिल कर देते हैं इक्वल टू रो, और यहाँ पे जैसे हमने वन दिया और वन के साथ हम दे देते हैं टेन, फाइव दे देते हैं रेशियो में, ब्रैकेट बंद करके इंटर मारते हैं। तो ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आप जब इसको रैक करेंगे तो ये आपको फिल कराएगा, नंबरिंग करेगा। आप देखते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ सेल के लिए अलग अलग हो रहा है। और ये आप कितना दूर तक ले जाएंगे खींच के उतना दूर तक जाते रहेगा और नंबरिंग देगा। लेकिन अगर आपने इसको मैजिक कर दिया इक्वल टू रो, और इसमें अगर आपने कहा कि एक से लेकर ये पाँच तक ही जाए, ब्रैकेट बंद किया और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो ये एरे कन्वर्ट हो गया है, ये नॉर्मल है। इस एरे को जब हम ड्रैग करेंगे कुछ दूर तक तो आपको दिखाई देगा कि नंबर आ रहा है, सब पे एरे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जो कंडीशन इसमें अप्लाई किए थे पाँच तक उतना ही चाहते हैं, तो इस सब को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसको एडिट मोड में रखें और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दें एक बार, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो जितना हमको रिजल्ट चाहिए था जो हमने डाला था उतना दिखाई दे रहा है, बाकी जो है वो जो है एरर वैल्यू हो गया है, एरर हो गया है। जैसे कुछ और हम एरर कर सकते हैं, जैसे हमने किसी इस वैल्यू को डिवाइड किया जीरो से तो ये एरर वैल्यू आएगा। तो ये कुछ एरर वैल्यू है, और हम चाहते हैं कि जब हम प्रिंट करने के लिए जाएं तो ये एरर वैल्यू दिखाई दे या ना दे, जो मेन आज का पॉइंट है। तो हम जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ से प्रिंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एरर वैल्यू है वो दिखाई दे रहा है आपको, और आप चाहते हैं कि आपके सीट में जब प्रिंट हो तो वो एरर वैल्यू दिखाई ना दे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पेज लेआउट में जाएंगे, और पेज लेआउट में नीचे जो सब ग्रुप ऑप्शन है पेज लेआउट का, इस पे जाएंगे, इसके अंदर जो सीट टैब है इस पे जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल एरर्स एज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेल में एरर है वो कैसा हो, एज मतलब डिस्प्ले करें, मतलब दिखाई दे। तो यहाँ पे प्रिंट सेक्शन में है हम लोग, और यहाँ पे ब्लैंक है, अगर आपने ब्लैंक कर दिया और ओके किया और फिर से आपका प्रिंट प्रीव्यू देखने, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो ब्लैंक है, जितना एरर वैल्यू है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमने यहाँ से ब्लैंक की जगह सीट पे जाके ब्लैंक की जगह एन ए लिया, अगर एन ए, तो जितना भी एरर है, जैसे ये डिप वाला भी एरर है, तो इसके जगह भी एन ए ही दिखाई देगा आपको। यहाँ से जब आप प्रिंट पे देखेंगे तो वो एन ए दिखाई देगा, मतलब कोई भी एरर है तो वो एन ए दिखाई देगा। और अगर हमने डैश लिया, यहाँ से तीन ऑप्शन लेने का है, डिस्प्ले कर सकते हैं, ब्लैंक ले सकते हैं, डैश ले सकते हैं और एन ए ले सकते हैं। तो यहाँ से डैश जब हम लेते हैं तो जहाँ भी एरर होगा वो डैश दिखाई देगा, ये डैश डैश करके दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।